नंबर थ्री आते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है, अ वाटरफॉल फ्रॉम अ हाइट 60 मीटर एट द रेट ऑफ इतना, ठीक है, एक वाटर मान लो ऐसे ऐसे फॉल हो रही है, ऐसे ऐसे फॉल हो रहा है, कितने मीटर हाइट से, 60 मीटर हाइट से, ठीक, और कुछ की क्या रेट दिया है, 15 केजी पर सेकेंड, तो हाइट बच्चों 60 मीटर दिया है, मास अपॉन टाइम मतलब रेट दिया है 15, ठीक है। उसके बाद बोला क्या है, आगे पढ़ते हैं, टू ऑपरेट टर्बाइन, ठीक है, टू ऑपरेट टर्बाइन, यहाँ कुछ टर्बाइन वर्बाइन कुछ ऐसा लगा हो, ऐसा कुछ भी है, द लॉसेज ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आर 10% ऑफ द इनपुट एनर्जी, कितने का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, तो यूजफुल एनर्जी कितनी हुई भाई, 10% का एनर्जी का लॉस हो रहा है तो हमारे काम में कितनी एनर्जी आई, तो आप बोलोगे 90%, कौन सी एनर्जी होगी, इतने ऊपर से गिर रहा है तो कौन सी एनर्जी होगी, MGH, भाई MGH का 10% लॉस हो गया तो बचा कितना, 90%, हाँ सर सही बात है, ठीक है, हाउ मच पावर इज जनरेटेड, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, ऐसा लिख लो, वर्क कितना होगा, MGH डिवाइडेड बाई टाइम, बट कितना यूज हो रहा है, 90%, क्योंकि 10% का लॉस हो रहा है, तो 90% कुछ ऐसा लिख सकते हो बच्चों, लिख सकते हैं सर, मास, मास को हम क्या बोलेंगे, मास 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 तो नहीं दिया, मास अपॉन टाइम दिया है, कितना 15, ठीक, ग्रेविटी कितनी है 10, हाइट कितना है 60, और ये 90 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 0 0, 15 × 6 × 90, ये कुछ हुआ 90 हुआ, और ये भी 90, तो 9 9 81 00, और 1000 से अगर डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 8.1 किलो वॉट, कितना आएगा 8.1 किलो वॉट, सी आंसर। मेरे ख्याल से 20 सेकंड नहीं लग रहा क्वेश्चन सॉल्व करने में, कंसेप्ट क्लियर हो बस।